हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार, आप मेडिकल की सीरीज को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। एंड एक बार और थैंक यू, आपने मतलब पिछली जितने भी वीडियोज हैं हमने बिहार के, राजस्थान के, यूपी के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस कवर कर दिए हैं। आज से हम वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में। ये कॉलेज वेस्ट बंगाल का एक मेडिकल कॉलेज है। तो चलिए जानते हैं आज हम गौरी देवी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ रहने वाली है, क्या यहाँ का फी स्ट्रक्चर रहने वाला, और भी ढेर सारी बातों के बारे में बात करें। तो चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। एंड आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यार बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो और भी मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गौरी देवी मेडिकल कॉलेज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो 2016 में ये कॉलेज इस्टैब्लिश हुआ था। तो देखा जाए तो काफ़ी साल अभी इसको हुए नहीं है, मतलब मेडिकल फील्ड में इतना पुराना कॉलेज ये है नहीं, लेकिन हाँ इसके एक दो बैच पास आउट पूरे हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी एक मेडिकल फील्ड में अच्छे से अपनी पकड़ बना सकता है। एंड अगर इसकी मैं लोकेशन की बात करूँ तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ये कॉलेज लोकेटेड है। एंड वेस्ट बंगाल आप सभी को पता है यार कितनी अच्छी जगह है, मतलब एक मन होता है सबका कि हम वेस्ट बंगाल की तरफ भी जाके पढ़ाई करें, या फिर जो वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी रह रहे हैं वो अगर इस कॉलेज का अप्रोच करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज की, तो काफ़ी सही कनेक्टिविटी के साथ ये कॉलेज आपको ऑफर होता है। अच्छी है कनेक्टिविटी, आपको ज़्यादा ट्रैवल की भी परेशानी नहीं होगी, आपको इजीली ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। अब हम इस कॉलेज की कुछ पेशेंट फ्लो एंड हॉस्पिटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ज़्यादा पुराना कॉलेज हुआ नहीं है, तो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ तो आपको यहाँ पर सारी देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ढेर सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो नो कॉम्प्रोमाइज़ एंड नो कंपैरिजन इस कॉलेज का। बाकी वेस्ट बंगाल के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ये माना जाता है। एंड अब आगे बढ़ते हैं हम इसकी एफिलिएशन और अप्रूव्ड के बारे में बात करें। तो देखो अप्रूव्ड तो ये कॉलेज NMC के द्वारा है, एंड ये कॉलेज एफिलिएटेड है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। तो काफ़ी मतलब सही है इसका सारा प्रोसेस जितना भी है। एंड आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके कुछ फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वेस्ट बंगाल का जो फी स्ट्रक्चर रहता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक तो स्टेट कोटा, दूसरा हो जाता है आपका मैनेजमेंट कोटा या NRI कोटा कह सकते हैं। तो इस कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो है 2,74,000, ये आपकी पर सेमेस्टर की फीस रहने वाली है, ठीक है। तो आप इससे आप अपना साल का एंड सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे एडमिशन एंड मिसलेनियस की मैं बताऊँ तो 50,000 आपका यहाँ पे चार्जेस होता है हर साल का। एंड अगर मैं इसके रिफंडेबल अमाउंट की बताऊँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ 15,000 सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है, जो रिफंडेबल आपकी बाद में वापस हो जाती है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके अलग से जैसे हॉस्टल चार्जेस की, 3-सीटर रूम्स हैं एंड आपको अटैच बाथरूम नहीं मिलने वाला, फूड एंड सारी चीज़ें 1,60,000 में ही हैं। और अगर आपको AC रूम चाहिए 3 लोगों के लिए ही, तो वो है 2,00,000 पर ईयर का आपका खर्चा। तो ये तो हो गई इसकी कुछ फी स्ट्रक्चर की बात। तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही अगर मैं कहूँगा यार वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर थोड़ा सही ही है। अगर आप अफोर्ड और कहीं नहीं कर पा रहे तो आप वेस्ट बंगाल में जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी कुछ टोटल सीट्स के बारे में बात करें। तो 156 टोटल आप यहाँ पे अवेलेबल है MBBS स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें ये डिवाइड होती है यार मैनेजमेंट कोटा की याद आई एंड जो स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी अलग डिवाइड होती है। और अगर इस कॉलेज की मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो देखो इस कॉलेज की जो कट ऑफ है वो, अगर आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और मोपअप राउंड के बाद यहाँ पे आपका जस्ट क्वालिफाई के बाद भी एडमिशन हो सकता है। अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो यार आप हेल्प ले सकते हैं गेट एडमिशन की। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सअप लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जो आप पूछ सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी जो भी आपकी है, वेस्ट बंगाल से कॉलेज वेस्ट बंगाल की जो भी एडमिशन प्रोसेस है, जितना भी सब कुछ है, आप सब कुछ पूछ सकते हैं। गेट एडमिशन से काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया जाता है एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं सारी यहाँ पे, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में इन कैंपस देखने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छा कैंपस है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इस कॉलेज में जो आपको पसंद आने वाली हैं अगर आप इस कॉलेज को अप्रोच करते हैं। एंड मैं बात करूँ यहाँ के आउटिंग टाइम की, तो देखो अवेलेबल है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन आपको यार फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे डिवाइड होते चला जाता है। एंड ऑब्वियसली अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको लॉन्ड्री की सुविधाएं देखने को मिलेंगी, उसके अलग चार्जेस होंगे। तो हॉस्टल में आपको 3 लोगों का अकोमोडेशन देखने को मिलता है, मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार आप लाइक्स जरूर करें एंड कमेंट छोड़ के जाएं एक अच्छा सा, ताकि दिल खुश हो जाए। लाइक मैं देख रहा था पिछले कुछ वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है, तो आप भी एक कमेंट छोड़ सकते हैं अच्छा सा एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएं।
तो चलिए आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।